नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम एस्ट्रो मंत्र में। मैं हूं आपके साथ स्पिरिचुअल गुरु सुनैना, और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि मेष से मीन राशि तक कैसा रहने वाला है आज आपका दिन राशि के अनुसार। और साथ ही हमारे जुड़ेंगे आचार्य पी खुराना जी, जो कि अंक शास्त्र के अनुसार बताएंगे कि 1 से 9 नंबर तक कैसा रहेगा आपका दिन, यानी कि कितना पॉजिटिव रहेगा और क्या परेशानी आ सकती है आज के दिन। आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहली राशि यानी कि मेष राशि की बात करते हैं और देखते हैं कैसा रहने वाला है इनके लिए आज का दिन। किसी दोस्त या संबंधी के साथ भविष्य से रिलेटेड कुछ प्लानिंग्स जो होंगी उसके बारे में आज आप योजना बना सकते हैं, और उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव दिन भी रहेगा। क्या परेशानी हो सकती है आज के दिन? किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई को बहुत ही सावधानी से करें। प्रॉपर्टी या पैतृक संबंधी कुछ कार्य में रुकावट आने से तनाव हो सकता है आज के दिन। भाग्यशाली रंग है लाल और आज का भाग्यशाली अंक है 9। आज के दिन आपने लाल रंग की मौली बांधकर अपने हाथ में रखना है। बात करते हैं अगली राशि की यानी कि वृष राशि की, और देखते हैं क्या पॉजिटिव लेकर आ रहा है आज का दिन। वाहन या किसी कीमती चीज की खरीदारी की इच्छा है तो आज उसका अनुकूल समय है, आप वो कर सकते हैं। क्या परेशानी आ सकती है आज के दिन? विद्यार्थी वर्ग मित्रों के साथ घूमने फिरने तथा मनोरंजन में अपना समय नष्ट ना करें। भाग्यशाली रंग है लाल और आज का भाग्यशाली अंक है 5। आज के दिन आपने क्या करना है? चांदी के बर्तन में ही पानी पिए, यानी कि चांदी के ग्लास में ही पानी पिए। बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। आज आप रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर अपनी दिनचर्या में कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे। नई ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर आपको आज फील होगा। क्या परेशानी हो सकती है आज के दिन? अवांछित लोगों के साथ मेल मुलाकात रखना आपके लिए मान हानि का कारण बन सकता है आज के दिन, और अपना समय भी बर्बाद करने की आपको जरूरत नहीं है किसी के साथ। आज का भाग्यशाली रंग है ऑरेंज और आज का भाग्यशाली अंक है 9। हमेशा हरे रंग का रुमाल अपने साथ रखना है आज के दिन। आइए बात करते हैं आप कर्क राशि की, और देखते हैं क्या पॉजिटिव रहने वाला है आज के इनके लिए। कुछ नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। इस बेहतरीन समय का उचित सदुपयोग करें। क्या परेशानी आ सकती है आज के दिन? कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले उससे अच्छे से उसके बारे में प्लानिंग कर ले। आज का भाग्यशाली रंग है हरा और भाग्यशाली अंक है 5। आज आपने क्या उपाय करना है? आपने अपने घर पर 6 रॉड वाली विंड चाइम अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में लगानी है। बात करते हैं अगली राशि यानी कि सिंह राशि की। पारिवारिक सदस्यों के साथ शॉपिंग आदि में खुशनुमा समय आज आपका व्यतीत होगा। सिर्फ बजट का आपको ध्यान रखना जरूरी है। किसी गलत फहमी अथवा मुद्दे को लेकर किसी नजदीकी रिश्तेदार अथवा संबंधी के साथ कुछ कहा सुनी होने की आज बहुत आशंका है। किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या रखकर भूलने से घर में थोड़ा सा तनाव वाला वातावरण रह सकता है। आज का भाग्यशाली रंग है पीला और भाग्यशाली अंक है 3। आज आपने उपाय में क्या करना है? आपने उपाय में कुत्ते को गुड़ रोटी खिलानी है आज। बात करते हैं कन्या राशि की, और देखते हैं कैसा रहेगा इनके लिए दिन। कोई कोर्ट केस अथवा प्रॉपर्टी से संबंधित कोई रुके हुए काम का फैसला आपके हक में आज हो सकता है, जिससे मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। क्या परेशानी हो सकती है आज के दिन? किसी भी प्रकार की कागजी कार्रवाई करते समय आपने बहुत ध्यान रखना है, बहुत सावधानी बरतनी है। छोटी सी गलती से बहुत अधिक नुकसान या धनहानि होने की संभावना है। आज का भाग्यशाली रंग है गुलाबी और भाग्यशाली अंक है 6। आपने क्या उपाय करना है आज के दिन? आज के दिन लाल मसूर की दाल आपने दान करनी है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बात करते हैं तुला राशि की, और देखते हैं क्या पॉजिटिव रहने वाला है। घर में मांगलिक कार्य संबंधी योजना बन सकती है आज। रिश्तेदारों की आवाजाही भी आज रहेगी। कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज को जरूर सुने। क्या परेशानी हो सकती है आज के दिन? आपकी लापरवाही की वजह से रुपए पैसे संबंधी कुछ नुकसान आज आपको हो सकता है, इसलिए बहुत अधिक चौकन्ना रहने की जरूरत है आज के दिन। भाग्यशाली रंग है हरा और आज का भाग्यशाली अंक है 3। आज आपने क्या उपाय करना है? आज आपने उगते हुए सूरज को पानी में थोड़ा सा गुड़ घोलकर सूर्य को अर्घ देना है।
बात करते हैं वृश्चिक राशि की और देखते हैं क्या पॉजिटिव रहने वाला है। आप अपने प्रयासों से अपने लक्ष्य को हासिल करने में आज सफल रहेंगे। धार्मिक संस्थाओं के साथ सेवा संबंधी कार्यों में भी रुचि लेना आपको मानसिक सुकून देगा। आज के दिन क्या परेशानी हो सकती है, अगर वाहन खरीदने की कोई प्लानिंग बना रखी है आपने तो उसको आज स्थगित कर दें, क्योंकि अभी ग्रह स्थिति उचित नहीं है आज के लिए। आर्थिक मामले अभी पूर्ववत ही रहेंगे जैसे कि पहले थे। भाग्यशाली रंग है नारंगी और भाग्यशाली अंक है 6। आपने क्या उपाय करना है आज के दिन? आज के दिन आपने क्रिस्टल का ब्रेसलेट धारण करना है। कोई भी क्रिस्टल आप आज धारण कर सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि की और देखते हैं क्या पॉजिटिव रहने वाला है इनके लिए आज। आज शारीरिक और मानसिक सुकून आने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों अथवा एकांत में कुछ समय व्यतीत करने की जरूरत है। प्रॉपर्टी या वाहन के खरीद फरोख संबंधी आज कुछ प्लानिंग बन सकती है। क्या परेशानी आ सकती है आज के दिन? अपने ऊपर अतिरिक्त कार्यभार ना ले, क्योंकि इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। किसी भी पेपर वर्क को करते समय बहुत सावधानी बरतने की आपको जरूरत है। आज का भाग्यशाली रंग है लाल और भाग्यशाली अंक है 8। आज के दिन आपने क्या उपाय करना है? आपने आज सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाना है। बात करते हैं मकर राशि की और देखते हैं कि क्या शुभ रहने वाला है इनके लिए आज। अध्ययनरत युवाओं को अपनी मेहनत के मनोवांछित परिणाम हासिल होंगे आज के दिन, तथा उनका हौसला और आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ेगा। क्या परेशानी आ सकती है? दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं। अगर उधार या लोन लेने की सोच रहे हैं तो पहले एक बार फिर से सोच विचार कर लें, फिर उस पर अमल करें। भाग्यशाली रंग है हरा और भाग्यशाली अंक है 1। आज के दिन आपने क्या उपाय करना है? आपने अपने पुराने कपड़े दान में देने हैं आज के दिन। बात करते हैं कुंभ राशि की और देखते हैं क्या पॉजिटिव रहने वाला है। किसी विशेष प्रयोजन को लेकर किए गए प्रयास आज सफल रहेंगे। सामाजिक रूप से भी आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा आज बढ़ेगी। क्या परेशानी हो सकती है? घर के कोई वरिष्ठ सदस्य और बुजुर्ग का मान सम्मान बनाकर रखें और उनका मार्गदर्शन कि आज के दिन आपने अवहेलना नहीं करनी है। आर्थिक रूप से कुछ परेशानियां आज आ सकती हैं। भाग्यशाली रंग है पीला और भाग्यशाली अंक है 4। आज के दिन आपने क्या उपाय करना है? आपने गरीब या जरूरतमंदों को आज भोजन दान देना है या उनको भोजन करवाना है। बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की और जानते हैं कि क्या पॉजिटिव है उनके लिए आज। ननिहाल अथवा ससुराल पक्ष की ओर से कुछ शुभ समाचार मिलने से मन बहुत खुश रहेगा आज आपका। दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाने के लिए अपनी रुचिपूर्ण कार्यों में भी समय व्यतीत करें, यानी कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट है उसमें अपना टाइम स्पेंड करें और ज्यादा। क्या परेशानी आ सकती है आज के दिन? आज कहीं भी पैसे की लेन देन संबंधी गतिविधि को आज आप थोड़ा सा पोस्टपोन रखिए, यानी कि स्थगित रखिए, क्योंकि आपका पैसा फंस सकता है आज के दिन। युवाओं को किसी इंटरव्यू वगैरह में सफलता ना मिलने से निराशा की स्थिति बन रही है आज के दिन। भाग्यशाली रंग है आसमानी और भाग्यशाली अंक है 7। आज के दिन आपने क्या उपाय करना है? आपने अपनी कलाई में तांबे का कड़ा धारण करना है आज के दिन। अब चलते हैं हम आचार्य पी खुराना जी के पास और जानते हैं कि अंक शास्त्र के अनुसार कैसा रहेगा आपका दिन। नमस्कार, स्वागतम, अभिनंदन, सत श्री अकाल। मैं हूँ आचार्य पी खुराना। हमारे विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर मूलात यानी हर डेट ऑफ बर्थ का एक खास अंक है, एक खास ग्रह है, उसका एक रंग है, एक दिशा है, एक मंत्र है, जो सब मिलाकर बनाता है आपको शक्तिशाली, भाग्यशाली, विद्वान, धैर्यवान एवं भाग्यवान। उसी को आधार मानकर हम आपको बता रहे हैं कि कैसा रहेगा आपका आज का दिन आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। और एक लकी कलर, एक लकी नंबर आज के दिन एक सावधानी और खास उपाय बनाएगा आपको मुकद्दर का सिकंदर। एवं जितनी उलझनें आपको आ रही हैं उससे आपको राहत प्राप्त होगी। करना क्या है, इस प्रोग्राम देखते रहिए, इसके साथ आपकी ईमेल्स का जवाब देंगे। ज्ञान सूत्र में बताएंगे कि कीमती सम्मान या कम कीमती आभूषण या जरूरी पेपर वास्तु शास्त्र अनुसार किस दिशा में रखना शुभ है। प्रोग्राम के आखिर बताएंगे
आज का मैजिक नंबर मंत्र जो आपके हर संकट का समाधान करेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बात करते मुलाक एक की, जिनका जन्म किसी महीने की 1/10/1928 को हुआ है, सूर्य ग्रह से अप्रभावित है। जो भी आपका कार्यस्थल है, आप चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे आप सीईओ हैं, या आप जॉब करते हैं या कारोबार करते हैं, कुछ तो कुछ आप कहीं ना कहीं प्रशंसा के पात्र बनेंगे और आपको अवार्ड मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल यू विल एंजॉय एवरी कंफर्ट ऑफ लाइफ। हर मोमेंट आप अपनी मौज मस्ती के साथ बीतेगा, चाहे अपनी पत्नी के साथ हो या अपने मित्रों के साथ हो या महबूबा के साथ हो। लकी कलर इज ब्राउन एंड लकी नंबर इज 1। और आज का उपाय क्या कहता है? साबुन एवं तेल जरूरतमंद व्यक्तियों को दान कीजिएगा। सावधानी क्या है? ओवर ईटिंग और ओवर एक्सरसाइज को अवॉइड कीजिए। बात करते मुलाक 2 की, जिनका जन्म किसी महीने की 2/11/20 या 29 को हुआ है, आप चंद्र ग्रह से प्रभावित है। अब क्या है कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अस्थिर हैं, लेकिन आज घर की बात करें, कार्यस्थान की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, रिश्तों की बात करें, स्थिति पहले से मजबूत होगी और आज आपका जीवन जो है लग्जरी भरा होगा। अच्छे रिजॉर्ट में जा सकते हैं, होटल में जा सकते हैं, फिल्म देखने जा सकते हैं। लकी कलर्स ग्रे एंड लकी नंबर्स 8। और आज का उपाय क्या कहता है? गुलाब के फूल धर्मस्थान पे अर्पित कीजिएगा। सावधानी क्या है? प्राउड हैथिफाल, घमंड बिल्कुल नहीं करना। मुलाक 3, जिनका जन्म किसी महीने के 3/12/21 या 30 को हुआ है, आप बृहस्पति ग्रह से प्रभावित है। बृहस्पति राजयोग देता है, बृहस्पति कुंडली में 3 भावों का मालिक होता है, इसलिए उच्च अधिकारियों से आज आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके मन में किसी प्रकार की अगर आशंका है, किसी प्रकार की गलतफहमी है, किसको लेकर? धन को लेकर, दौलत को लेकर, रिश्तों को लेकर, माता को लेकर, पिता को लेकर, या अपने अधिकारियों को लेकर गलतफहमी आज आपकी दूर होगी। लकी कलर इज व्हाइट एंड लकी नंबर 7। आज का उपाय क्या कहता है? लाल चंदन से नाभि पट्टी लगाए। सावधानी क्या है? अगर आप कठिनाई से गुजर रहे, दिल से नहीं दिमाग से काम लीजिएगा। मुलाक 4 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 4/13/22 या 31 को जन्म हुआ है, आप राहु ग्रह से प्रभावित है। आज आपकी संगत अच्छे लोगों के साथ होगी। कोई सेलिब्रिटी मिल सकता है, महापुरुष मिल सकता है, गुरुतुल्य व्यक्ति मिल सकता है, उसका हाथ थामिए जो आप ले जाएगा अंधेरे से उजाले की तरफ। इसके साथ आधे अधूरे कार्य को दोबारा शुरू करें, रीथिंक, रीवैल्यूएट, लाभ होगा। लकी कलर का पर्पल, लकी नंबर इज 5। और आज का उपाय क्या कहता है? लाल चंदन का घर में छिड़काव करें। सावधानी क्या है? किसी व्यक्ति से झूठा वादा नहीं कीजिएगा। और लाख 5 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 5/14/23 को हुआ है, तो जीवन के प्रति पॉजिटिविटी बढ़ेगी, जीवन गतिशील होगा, नेगेटिव ऊर्जा से आप राहत महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन बच्चों की सफलता से आपको अपने आप में गौरवशाली महसूस करेंगे। लकी कलर इज ग्रीन एंड लकी नंबर 6। और आज का उपाय क्या कहता है? अष्टगंध धर्म स्थान पर अर्पित करें। सावधानी क्या है? खरीदो फरोख्त के समय अपना पर्स और अपना मोबाइल संभाल कर रखिएगा। अब बात करते हैं ईमेल की। प्रश्न करता है लुधियाना से नवदीप सिंह, इनका डेट ऑफ बर्थ 4/3/1979। इनका अपना कारोबार डेयरी प्रोडक्ट्स का है। पूछते हैं कि मैं अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता हूं। इन्होंने साथ में धन्यवाद किया है एस्ट्रो मंत्रा की टीम को। नवदीप जी, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। देखिए, डेयरी प्रोडक्ट्स का काम आपको सूट क्यों करता है? पहली बात सुनिए, मूलांक आपका 4 है, जिसका डेयरी के साथ कोई संबंध नहीं। महीना आपका मार्च है, जिसको बृहस्पति कहते हैं।
बृहस्पति कारक है तो क्या कहता है कि जितना काम आप दूध के साथ अनुशासन वाला काम, जो चीजें ऐसी जो भगवान को अर्पित की जा सकती वो काम करेंगे तो आपका काम चलेगा। दूसरा कारण क्या है? आपका डेस्टिनी नंबर 6 33 33 336। 6 कारक शुक्र ग्रह का है, शुक्र का रंग सफेद है, तो इसलिए आपका डेयरी प्रोडक्ट का काम आपको बिल्कुल सूट करेगा। लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने के लिए करना क्या है? हर शुक्रवार को डेयरी प्रोडक्ट्स की जितनी चीजें आप बनाते हैं उसमें से कोई भी एक आइटम आप धर्म स्थान पर अर्पित करते रहिए। सुखमणि साहब का पाठ कीजिए, सिरों पे लीजिए 21। एक सिरोपा साहब आपने गुरुद्वारा साहब में शुक्रवार के दिन वहां पे अर्पित करना है। और एक काम और कीजिएगा, एक फिरोजा जिसका वेट हो कम से कम 15 रहती, उसको चाहे गले में धारण कीजिएगा, चाहे आप अंगूठी बना लीजिएगा। और एक बात और, हो सके तो आप अपना कारोबार वास्तु शास्त्र अनुसार उसको प्लान करते हैं तो आपकी सोच से बाहर है कि आप कितनी तरक्की कर जाएंगे। हम कामना करते हैं कि आप उस ऊंचाइयों तक जाए। गॉड ब्लेस यू। नवदीप की तरह आपके भी मन में कुछ विचार आते हैं, मैं जीवन में क्या करना चाहता, मैं जीवन में क्या कर सकता था, कभी कभी विचार मन में आता है, या मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला जो लोगों को मिला है। सारे जिज्ञासाएं हम आपकी पूर्ण करेंगे। टीवी स्क्रीन पर फ्लैश के ईमेल आईडी पर आप अपना प्रश्न लिखिए, हमें आपका इंतजार रहेगा। अब बात करते हैं मूलांक 6 की, जिनका जन्म किसी महीने की 6, 15 या 24 को हुआ है, आप शुक्र ग्रह से प्रभावित है। कोई भी ऐसा विवाद जो कोर्ट कचहरी के साथ संबंध है या जमीन जायदाद के साथ संबंध है उसका निपटारा आज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यू आर ए फेस इन द क्राउड। आज आप आकर्षण का केंद्र बनेंगे, लोग आपको सराहेंगे, आपको लोग देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। लकी का जेलो, लकी नंबर 4। और आज का उपाय क्या है? भोज पत्र पर इष्ट देव का नाम लेकर अपने पास रख के सावधानी क्या है, अपने दिल एवं दिमाग एवं जुबान पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। मूलांक 7 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 7, 16 या 25 को हुआ है तो आप केतु ग्रह से प्रभावित है। आज एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी जो आपकी बहुत दूर तक जाएगी, जो आपके रिश्तों का एक मायना, एक गरिमा मिलेगी आपको। इसके साथ आप चाहे जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, किसी पद के भी हैं, हो सकता है थोड़ी सी बदलाव की स्थिति बन सकती है, अवॉइड कीजिए। लकी कलर इज रेड एंड लकी नंबर इज 9। और आज का उपाय क्या कहता है? तुलसी की माला धर्म स्थान पर अर्पित करें। सावधानी क्या है? अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए। मूलांक 8 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 8, 17 या 26 को हुआ है तो आप शनि ग्रह से प्रभावित है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट आज क्या है? मूलांक 4 का व्यक्ति आपके जीवन को रंगों से भर देगा। मूलांक 4 व्यक्ति आपको खुशियां देगा। वो व्यक्ति कौन है? माता हो सकती है, पिता हो सकते हैं, प्रियजन हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है या संतान हो सकती है। आपकी ईमानदारी एवं सच्चाई की आज जी भर के तारीफ होगी। लकी कलर्स पिंक एंड लकी नंबर 2। आज का उपाय क्या कहता है? सिंदूर से ओम लिखकर अपने पास रखिएगा। सावधानी क्या है? आज समय नष्ट मत कीजिएगा, फोकस ऑन करियर। मूलांक 9 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 9, 18 या 27 को हुआ है तो आप मंगल ग्रह से प्रभावित हैं। पुराना प्रेमी या पुरानी प्रेमिका आपके जीवन में प्रवेश हो सकता है, वेलकम, उसका स्वागत कीजिए। नए प्रोजेक्ट शुरू होने से थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन घबराइए नहीं। लकी कलर मैरून का इस्तेमाल कीजिए, लकी नंबर 3 का इस्तेमाल कीजिए। आज का उपाय, 4 मुख्य दिया धर्म स्थान पर जलाएं। और सावधानी क्या है? दूसरों पर आज आप निर्भर मत रहिए। यह था आज का भविष्यफल आपके मूलांक अनुसार। अब
बात करते हैं ज्ञान सूत्र की। घर का कीमती सामान, आभूषण, जरूरी पेपर, पासपोर्ट वगैरह किस दिशा में रखना शुभ या अशुभ माना जाता है, एकांत वास्तुशास्त्र। अक्सर हर घर में थोड़ा बहुत कीमती सामान अवश्य होता है। हर व्यक्ति की चाहत रहती है कि उसके धन की संपत्ति सुरक्षित रहे और बढ़े। इसके लिए अपना कीमती सामान किस दिशा में रखें, सामान की हिफाजत रहे और आपके घर की शोभा बने और आपको लाभ की प्राप्ति हो, सबसे पहले बात पूर्व दिशा की करते हैं। इस दिशा में अपनी संपत्ति के पेपर या तिजोरी के पेपर रखना शुभ है। नंबर दो, तिजोरी रखना शुभ है। नंबर दो, इस दिशा में रखी सामग्री में वृद्धि होगी। पश्चिम दिशा में, इस दिशा में आभूषण कीमती सामान बिल्कुल मत रखिए, परिवार के मुखिया को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर दिशा की बात करते हैं, इस दिशा में अलमारी, आभूषण, जरूरी कागजात रख सकते हैं। इस दिशा में अलमारी दक्षिण दिशा में इस तरह रखें कि उसका दरवाजा पूर्व की तरफ खुले। और जहां तक दक्षिण दिशा की बात है, इस दिशा में कीमती सामान रखने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, परंतु लाभ भी नहीं होता। इस दिशा में कीमती सामान रखने से वैसे परहेज रखिए, सीढ़ियों के नीचे अलमारी या तिजोरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, धन का नुकसान हो सकता है। टॉयलेट के सामने आसपास कीमती सामान बिल्कुल मत रखें, परिवार के सदस्यों की ग्रोथ में समस्या आ सकती है। तिजोरी के दरवाजे के अंदर की तरफ लक्ष्मी जी की तस्वीर अवश्य लगाए। जिस स्थान पर तिजोरी आप रखते हो उस स्थान पर कबाड़ नहीं होना चाहिए, उस स्थान पर जाले नहीं होनी चाहिए, उस स्थान पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। अन्यथा लक्ष्मी जी कहते हैं जिस घर में जाले हैं, लक्ष्मी जी कहते हैं जिस घर में कबाड़ है, मैं वहां पर भ्रमण नहीं करती, नाराज हो जाती हूं। तो इन बातों का अपने खास ध्यान रखना है, जो रोजाना हम अपने खास प्रोग्राम एस्ट्रो मंत्र में आपको बताते हैं। मैजिक नंबर की बात करते हैं, मैजिक मंत्र की बात करते हैं। 66 88 99 सफेद कागज पर लाल पेन से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर इसको ओम वक्राय नमः लिखिए। नंबर लिखने के बाद 48 बार इस मंत्र का जाप करना। उस कागज को आप अपने पास रखिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर कोई ऐसा चल रहा संकट है उसका समाधान अपने आप होगा, प्रभु की अनुकंपा होगी। ओम तत्सत। वाणी को विराम देता हूं और कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ इसी समय इसी चैनल पर। आचार्य पी खुराना को दीजिए इजाजत। हम कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। चलिए अब चलते हैं सुनाना जी के पास। धन्यवाद खुराना जी। हमारे खास शो एस्ट्रो मंत्र में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।